हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यून क्लासेज। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नया कॉन्सेप्ट दूंगा। आओ देखो, हमें ये चीज़ समझनी है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को जिनमें, चलो मैं पहले तो क्वेश्चन बताता हूँ, वो देखते हैं। द स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 12, 18 और 21, ठीक है। पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 12, 18 और 21 का भाग जाता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं अभी मैं बताऊंगा, वो एलसीएम फाइंड करके सोल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्या इस टाइप के क्वेश्चंस को 5-7 सेकंड में सोल्व किया जा सकता है। यस, इनको 5-7 सेकंड में सोल्व किया जा सकता है। यहां इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है। आओ देखते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट सुनते चलना और इन जो आर्ग्यूमेंट मैं दे रहा हूं ना उनको अप्लाई करना भाई। मैं धीरे धीरे आपको इनके बेसिक के वीडियो भी दूंगा, लेकिन आप अप्लाई करते रहना। अब आओ देखो, ठीक है, आर्ग्यूमेंट सुनो। सबसे पहले तो हमने देखा कि यदि किसी संख्या में 18 का भाग जाता है तो उसमें 9 का भी भाग जाएगा, और 9 का भाग जाता है तो संख्या का अंकों का योग या उसका डिजिट सम 9 होगा, ठीक है। डिजिट सम पे बेसिक्स के लिए मैंने पीछे कई वीडियो बना रखे हैं जहां डिजिट सम अप्लाई किया है 9 का, आप वो जरूर देख लेना। यहां देखो, हमने क्या देखा, 18 का भाग जाता है तो 9 का भी जाएगा, और 9 का जाता है तो उस संख्या के अंकों का योग 9 होगा, डिजिट सम। इसका डिजिट सम 9 है, यस। इसका डिजिट सम देखो, ये तो कैंसिल हो गए, ठीक है, 7 नहीं हो सकता। इसका देखो 8 और 1 9, बिल्कुल है। और इसका डिजिट सम देखो, ठीक है, ये 1, 5 और 8 9 हो गया, इसका मतलब 2 बच गया, तो इसका डिजिट सम 2 है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास 2 चॉइस बच गई हैं, क्या दो ऑप्शन बच गए, या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है, ठीक है। देखो, अब ये डर नहीं रहना चाहिए कि डिजिट सम सेम आ गए तो क्या करेंगे। देखो है ना, दो में सेम, अभी भी सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपन 7 की एप्लीकेशन करते हैं, डिविजिबिलिटी की। 21, यदि किसी संख्या में 21 का भाग जाता है तो उसमें 3 का भाग भी जाएगा और 7 का भाग भी जाएगा, तो मैं 7 की डिविजिबिलिटी समझा रहा हूं यहां पे। ये डिविजिबिलिटी 13 के लिए भी एप्लीकेबल है। यदि हमारे पास कोई नंबर है तो उसकी जो लास्ट की 3 डिजिट हैं उसका एक पेयर बनाएंगे, और इधर जो डिजिट हैं उनका दूसरा पेयर बनेगा, और इनका डिफरेंस 7 से डिविजिबल होना चाहिए या 13 से डिविजिबल होना चाहिए। यदि डिफरेंस डिविजिबल है तो पूरी संख्या डिविजिबल होगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ठीक है, 7 के लिए चेक करते हैं। ये देखो, ये ठीक, ये बनाया ट्रिपलेट बन गया, ठीक है। इसमें से 10 घटा तो कितना आ गया, 70 भाग जा रहे हैं। और ये अभी तो मैं समझा रहा हूं भाई, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी ना आपको दिखेगा, विजुअलाइज करने लग जाओगे चीजों को, और उसी दिन तो आप इंस्पेक्टर बनोगे, तभी तो स्पीड आएगी। अभी जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं ना आपको, ये तो बहुत बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। जिस दिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बड़े वीडियो के साथ पूरे कॉन्सेप्ट करवा दूंगा, तब आप देखोगे वास्तव में क्या डीप नॉलेज देने वाला हूं आपको, क्लियर है। आओ साथ में ये देखो, क्या ये 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 80, ये 80 में से 10 घटा दो कितना, 70 भाग जाता है, बिल्कुल डिविजिबल है। ये और चेक कर लेते हैं, 224 में से 10 घटाओ कितना बचेगा, 214, क्या 214 में 7 का भाग जाता है, नहीं भाग नहीं देंगे, नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, क्योंकि हमें पता है यदि इसको हम ऐसा लिख लें तो इस पार्ट में तो 7 का भाग जाता है और इस भाग में नहीं जाता। 7 से डिविजिबल होने के लिए इन दोनों पार्ट में 7 का भाग जाना चाहिए था, ऐसा क्यों होता है ये मैं करवाऊंगा जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, ठीक है ना। सारी चीज समझाऊंगा, लॉजिक के साथ भी समझाऊंगा, आर्ग्यूमेंट से भी समझाऊंगा, बस अभी आप जो मैं बता रहा हूं ना वो समझते चलो और उसको अप्लाई करते चलना। तो इसमें भाग नहीं जा रहा तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर है। अब मैं रिपीट करता हूं, ठीक है, एक बार ये देखो। अभी जो मुझे जो टाइम लग रहा है ना, आप ये टाइम तो केवल आपको समझाने का टाइम है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, स्ट्रोंग बन जाओगे कॉन्सेप्चुअली, तब आप इनको देखते सोल्व कर दोगे, ठीक है। पहला हमने देखा डिजिट सम, और इवन डिजिट सम की भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है, आप यहां 7 के लिए भी सीधा चेक कर लोगे, ठीक है। चलो चेक कर ले, ये बोलो 256, ये तो हो गया 7 से, ये 256 में से 30 घटाओ कितना बचेगा, 226, क्या 226 में भाग जाता है 7 का, कैसे दिखेगा, 210 प्लस 16, 210 में जाता है, इसमें नहीं जाता तो नहीं जाएगा। ये देख लो, 321 में से 50 घटेगा, अब मैं लिखूंगा नहीं, 321 में से 50 घटाएंगे, देखो समझते चलना,
321 में से 50 घटाना है तो पहले तो 21 कम कर दो 300, अब 50 की बजाय 29 हो रह गया तो 29 पीछे ले जाओ। 271 में नहीं जाता, क्यों? क्योंकि 280 में भाग जाता है, तो 9 कम में नहीं जाएगा, 7 कम में जाता। समझ में आया? चलो मैं समझाता हूं। देखो ये थॉट प्रोसेस है, मैं जिस थॉट प्रोसेस की बात करता हूं ना वो ये है। मैं अब इसको एक्सप्लेन भी करता हूं, चलो पूरा समझना ध्यान से। कुछ बच्चों का था कि सर आप स्पीड बहुत फास्ट कर देते हो। भाई बिना फास्ट स्पीड के सिलेक्शन नहीं है, इसलिए स्पीड फास्ट करता हूं। और आज से आप जैसी आदत डालोगे ना अपने माइंड को, वो वैसे तैयार हो जाएगा। आओ, हमने देखा था कि 7 से डिविजिबिलिटी के लिए 3-3 के पेयर बना लेंगे। अब यहां पे नहीं है तो हम इसको 0 मान लेंगे। अब इसमें से 321 में से हमें घटाना है 50, ठीक है? आप माइंड में क्या चलेगा वो देखो, 321 माइनस 21, क्यों? क्या था कि हम 300 पे पहुंच जाएं, फिर माइनस 29 और रह गए, अब ये 50 एक ही तो बात है, ठीक है ना? तो ये 321 में से 21 गया कितना, 300 में से 29 घटा दो आप, 271, ठीक है। अब देखते हैं कि 271 में भाग जाता है या नहीं जाता, लेकिन ये 271 अब आपको ऐसे दिखना चाहिए था 280 माइनस 9। हमें पता है कि यदि 7 से डिविजिबल होना तो ये पार्ट भी डिविजिबल होना चाहिए और ये पार्ट भी डिविजिबल होना चाहिए। यहां पे ये तो है, ये पार्ट डिविजिबल नहीं है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी डिविजिबल नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं है, ठीक है? बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आंसर है, ठीक है? अब देखो दोबारा एक बार और करवा रहा हूं मैं अब आपको, ठीक है? केवल 7 की बात करें अपन, 80, 10, 70 भाग जा रहे हैं। यहां देखो 256 में से 30, 256 घटाओ यहां से, 256 में से 30 माइंड के लेवल पे चलने दो, ठीक है ना? बिल्कुल माइंड के लेवल पे चलने दो। आपका जो पेन पेपर के बिना आपका माइंड जब सोचता नहीं है तो उसके लिए प्रैक्टिस करो, आप सोचना शुरू करो तभी आगे बढ़ सकते हो। 256 30 घटाओ 226, 210 प्लस 16, 210 में जाता है, 16 में नहीं जाता, नहीं जाएगा, ठीक है? 224 और 10 214, 14 में जाता है, 200 में नहीं जाता, नहीं जाएगा। 321 और 50 271 कैसे आए, 21 कम कर दिया, 329 कम कर दिया, 271 नहीं जाता, क्यों? 280 में जाता, 7 4 28 नहीं जाता, ठीक है आंसर। और ये तो पहला दिन है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो 5-7 सेकंड में आप आंसर करने लग जाओगे, ये गारंटी है, प्रोमिस है मेरा। 5-7 सेकंड में सोल्व करना सिखा दूंगा, उस लेवल पे चीजें बताऊंगा। अब आगे चलते हैं, यदि हम इसके डिटेल मेथड की बात करते तो क्या करते, वो भी आपको हिंट दे रहा हूं, ये भी सिखाऊंगा, बिल्कुल सिखाऊंगा, ठीक है? अभी नहीं, अभी मैं एक बार समझा देता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ली, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिया, ये रहा। फिर हमने एलसीएम फाइंड किया 12, 18 और 21 का, ठीक है? एलसीएम भी फास्ट करना सोल्व करेंगे। चलो यहां थोड़ा सा बता ही देता हूं आपको, 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 4, 18 को क्या लिख सकते हैं, 3² × 2, और 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 7, ठीक है ना? पहले मैं समझा रहा हूं फिर थॉट प्रोसेस देता हूं। तो यहां से जो हाईएस्ट पावर होंगी वो हमको सिलेक्ट करनी है, ठीक है? हाईएस्ट पावर ये 4 हो गया, ये कितना हो गया बोलो, 9, और ये 7, ठीक है? तो जो हमारा एलसीएम बनेगा वो 4 इधर 9 × 7 से बनेगा, ठीक है? तो आपको गुणा करना है ये, 4 × 7, 7 4 28, 28 को 9 से गुणा करो, 28 को 10 से करते तो 280, 280 में से 28 घटा दो, 252, ठीक है? और इसके लिए आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, क्या कर सकते थे अपन, यहीं से देख सकते थे। आओ देखो 12 में क्या मिला, 4, यहां से 9 और यहां से 7, क्लियर है? तो 7 × 4 = 28, 28 × 9 = 252, ये। अब 252 का भाग दोगे, और इतनी बड़ी संख्या ना तो भाग देना पड़ेगा भाई, आप इसको माइंड में नहीं कर सकते, ठीक है? हम अलग अलग एस्पेक्ट पे देखेंगे चीजों को, कैसे फास्ट करना है। अब यदि आप ये भाग दोगे करोगे तो ये आपका सेल्सफुल आएगा, ठीक है? इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और ये डिफरेंस आएगा 80, ठीक है? ये हम नंबर में जोड़ देंगे, ठीक है? तो ये जो डिफरेंस है ये हमारा आंसर बन जाएगा जुड़ने के बाद। अब आप एक चीज समझना, क्या आप ये पूरी प्रोसेस एलसीएम फाइंड करके, भाग देके, डिफरेंस करके, ऐड करके, आप ये 5-7 सेकंड में कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लेना, चाहे 5 साल प्रैक्टिस कर लो, कभी नहीं कर सकते। लेकिन हम नए कॉन्सेप्ट सीख के इसको सोल्व कर सकते हैं 5-7 सेकंड में, वो कॉन्सेप्ट मैं दूंगा, ठीक है?
तो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।